तो गाइज यार आज की इस वीडियो में हम इस बलून के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो कि आपने अक्सर वीडियो में टिकटॉक में यूट्यूब वगैरह में देखे होंगे कि इसमें जब हम इस नीडल को डालते हैं तो ये बलून फटता नहीं है। तो गाइज यार आज की इस वीडियो में ये सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, क्या ये सच होता है या झूठ होता है। आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज यार सबसे पहले ये है हमारे पास टेप, जो कि हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं। तो गाइज यार सबसे पहले मैं इसे उतार लेता हूँ। तो गाइज यार ये टेप मैंने उतार ली है, और इसके यहाँ पर जहाँ पर बलून का सेंटर पॉइंट बन रहा है यहाँ पर मैं इसे लगा दूंगा। तो गाइज यार अच्छे तरह से इसे हमने ऊपर से दबाना है, ताकि ये जो एयर बबल हैं ये अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो गाइज यार अब तकरीबन अच्छी तरह से ये जो हमारी टेप है ये इसके ऊपर लग गया है। अब हमारा एक्सपेरिमेंट जो है हम शुरू करने वाले हैं। तो गाइज यार ये हमने लगा लिया है, और यहाँ पर है हमारे पास एक इंजेक्शन। तो गाइज यार इसके जो नीड है, जब हम इसके अंदर डालेंगे नीडल तो इसमें जो बलून के अंदर हवा होगी वो इसके अंदर आने लग जाएगी, क्योंकि इसके अंदर छोटा सा सुराख है। तो गाइज यार इसकी हवा जो है हम पहले भर लेते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो हवा है इसके अंदर डालेंगे, ताकि बलून की जो हवा है वो कम ना हो। तो गाइज यार सबसे पहले इसके अंदर मैं ये डालने वाला हूँ। तो गाइज यार डर लग रहा है। तो गाइज यार यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा जो बलून है फटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो गाइज यार हमारा जो एक्सपेरिमेंट है सचमुच काम कर गया है, तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो गाइज यार इसे मैं निकालने वाला हूँ अब। वाओ, तो गाइज यार देखा हमारा बलून जो है अभी तक नहीं फटा, इसके अंदर से हवा भी जो है नहीं कम हुई। तो गाइज यार एक और बार मैं दूसरी साइड पर ट्राई करता हूँ। तो गाइज यार मैं दूसरी साइड पे, वाओ। तो गाइज यार देख सकते हैं कि दो सुराख हमने कर लिए, फिर भी ये जो बलून, तो गाइज यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि हल्का सा फट चुका है। दोबारा ट्राई कर रहे हैं। तो गाइज यार यहाँ पर मेरे पास पानी है, मैं इसके अंदर पानी डाल के चेक करने वाला हूँ क्या यह पानी से भी वर्क करेगा। तो गाइज यहाँ पर हमने पानी डाल लिया, ये देखें आधा फट चुका है। वाओ, तो गाइज यार अभी तक हमारा बलून जो है बिल्कुल भी नहीं फटा। तो अब इसे हम फोड़ने की कोशिश करने वाले हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा से सुराख करते हैं। वाओ, तो गाइज यार और हम इसके अंदर सुराख करने वाले हैं। चार सुराख हम कर चुके हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। वाओ, तो गाइज यार अभी तक ये नहीं फटा, इसके अंदर से हवा जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो गाइज यार फाइनली जो हमारा बलून है वो फट चुका है। तो गाइज यार वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। इस तरह के मोर एक्सपेरिमेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज यार इसकी रीज़न जो है फटने की वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो गाइज यार आपने अक्सर वीडियो देखी होंगी कि जब हम इसके अंदर नीडल डालते हैं तो वो नहीं फटता। तो गाइज यार इसके ऊपर हमने इसकी जो बलून की ऊपर स्किन होती है वो बिल्कुल हल्की सी होती है, इसलिए हमने इसके ऊपर टेप लगा दिया, और इसकी स्किन जो है मोटी हो गई है, जिसकी वजह से हम इसके अंदर डालते हैं तो फटने की इसको जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारा बलून जो है नहीं फटता। तो गाइज यार आज की इस वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी मज़ा आया होगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको इसी इस तरह के मज़े मज़े की वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।